First of all, I wanted to make my first mark with a very melodious song, obviously, because I connect to such songs more than any other form. So, वो एक पहला intention था. And then, obviously, Abhishek sir has come up with this kind of a song, and he actually told me ki you know, we'll sit and we'll make a song for you, which is tailor-made and obviously such well-written lyrics. So for me, this was a wonderful experience. I did not even realize how smoothly the entire thing went on. So the song is, it's a very melodious song. It's unlike what is, you know, a rap or a basic hip-hop or whatever we kind of listen to right now all the time. So it's not like that. It's a romantic song. It's a song which has a lot of flair, innocence, romance. So for me, that was special. So yeah, so Jaga Jaga is what I really cherish. How happy you are? Album ban gaya hai, gaana ban gaya hai. How satisfied are you with the song? Actually, when the song was recorded, I did not even know that this was going to be the final take. So, I am actually very happy with this song, because as my first song, it was an experience to remember, and I got to learn a lot about, you know, voice culture and how you should approach a song. So for me, this song is obviously very special, and I would want people to listen to it, to give me their reviews, their feedback, because that is important for me at this point. So yeah, I'm really looking forward. Abhishek, आपसे जानना चाहेंगे, आयरा का जो पहला डेब्यू गाना है, काफी रोमांटिक है, किस तरह के, मतलब ये पूरा एक एसोसिएशन हुआ आप तीनों लोगों का अभिनव जी के साथ, एंड हाउ डिड इट कम अप? देखिए, अविनाश से तो रिश्ता मेरा थोड़ा पुराना है. फिल्म के म्यूजिक करने के अलावा मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर महीने कम से कम एक ऐसा गाना करूँ जो नॉन फिल्म श्रेणी में आए. और इसी दिशा में अबाउट 2 years बैक आई डिड अ सॉन्ग कॉल्ड ए जहाँ आसमा विथ द वॉइसेस ऑफ सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल. एंड एज लक वुड हैव बीन, इतने बड़े बड़े गाने थे उस साल अलग अलग म्यूजिक कंपनीज की, इसके बावजूद जो है मेरे गाने को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिला एज द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर. तो उससे मेरा हौसला थोड़ा और बढ़ा कि सिर्फ फिल्मों पे निर्भर ना करके फिल्म के अलावा हर महीने एक गाना ऐसा करूं जिसमें एक नया गाना, एक ऐसा गाना जिसमें मैं कोई किसी बंदिश से ऊपर उठ के, वेर आई एम नॉट बीइंग आर्म प्रेस्ड, दिस इज़ द सिचुएशन, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये स्क्रिप्ट है. तो क्या है कि फिल्म के म्यूज़िक में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है. प्लस ये होता है कि फिल्म का कैनवस आपको मिल जाता है. माइनस ये होता है कि एज अ कंपोजर यू कैन नॉट ऑलवेज गिव देम व्हाट यू वांट, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिसमें घुस के आपको काम करना पड़ता है. तो एक मन की लालसा होती है कि उससे उभर के वो गाने भी सामने आए जो आपके अंदर के गाने हैं, जो बेखौफ सामने आ सके. सो इन दैट, कीपिंग दैट इन माइंड, आई स्टार्टेड डूइंग नॉन फिल्म सॉन्ग्स वन एवरी मंथ. तो उस सिरे में मैंने बहुत से लोगों के साथ सिंगल्स किए, जैसे गुलजार साहब जो मेरे मेंटर हैं. गुलजार साहब इज़ द मैन हु ब्रॉट मी टू बॉम्बे अगेन थ्रू अ नॉन फिल्म एल्बम कॉल्ड उदास पानी एंड राज चांदौर में. तो ये बैक टू बैक हमने दो एल्बम्स किए थे. दैट मेड माई स्पेस इन बॉलीवुड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट मैनर. तो गुलजार साहब के साथ हाल ही में मैंने 7 गाने और किए नॉन फिल्म. देन देयर इज श्रेया घोषाल, देयर इज शान, देयर इज सोनू निगम, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर न्यू टैलेंट जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ. देयर इज जॉनिता गांधी, देयर इज सुनिधि चौहान, बहुत से लोग हैं. तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर महीना जो है एक गाना सामने आए मेरे स्टेबल से जो फ्रेश हो, नया हो. आर्या के बारे में ये कहना चाहूँगा कि व्हेन शी फर्स्ट केम टू मी, हर वॉइस हैज़ टू आस्पेक्ट्स जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं. एक तो सबसे पहला आस्पेक्ट ये कि मीठी आवाज़ है, सुरीली आवाज़ है, सीखी हुई आवाज़ है. लेकिन मीठे आवाज़ के कैटेगरी में इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट विद द एस्टैब्लिश्ड वॉइसेस. कुछ बहुत एस्टैब्लिश्ड मीठी आवाज़ें इंडस्ट्री में हैं, तो अगर आपकी आवाज़ उनकी जैसी हैं तो फिर दिक्कत ये आती है कि आप बहुत अच्छा गाएंगी लेकिन इसके बावजूद पीपल विल कंपेयर यू टू अ श्रेया घोषाल और पीपल विल कंपेयर यू टू अ कविता कृष्णमूर्ति कि उसकी जैसी आवाज़ है. हालांकि इन दोनों के साथ मेरे बहुत गाने हैं, पर
इसकी आवाज़ की ये अच्छी बात है कि मीठी होने के बावजूद ये किसी दूसरे आवाज़ की परछाई में नहीं आती है. इट्स एन इंडिविजुअल वॉइस, इट्स एन इंडिपेंडेंट वॉइस. सो व्हेन यू हियर द वॉइस यू नो कि देयर इज समथिंग फ्रेश, कुछ नया है, नई आवाज़ है. तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने ये गाना बनाया. जागा 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 सपना इज़ अ मेलोडियस सॉन्ग बट इट्स ऑल्सो अ वेरी मॉडर्न सॉन्ग. तो इसकी जो ग्रूव्स है और अरेंजमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं कि आज की पीढ़ी और आज के युवा को अच्छा लगना चाहिए. और जो लिरिक्स अविनाश साहब ने लिखा है वो हल्के फुल्के हैं, आसानी से ज़ुबान पे चढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हल्के नहीं हैं. कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि क्या लिख दिया, यू नो. लिरिक्स में एक पोइट्री है, उसकी एक नज़ाकत है. सो कीपिंग द पोइट्री अलाइव एंड येट मेकिंग इट सिंपल, दैट आई थिंक इज़ अ चैलेंज ऑफ मेकिंग अ गुड सॉन्ग. बिकॉज लिरिक्स और पोइट्री में एक फ़र्क ये होता है कि पोइट्री में आप कुछ भी लिख सकते हो, पर लिरिक्स में आपको वही शब्दों का चयन करना चाहिए जो धुन के साथ अच्छा लगे, बार बार गुनगुनाने का मन करे. तो जागा जागा में एक अनायास सी बात है जो आपको बार बार गुनगुनाने का मन करता है. एंड बाकी अविनाश आपको बताएंगे. अविनाश, जैसे आपने गाना लिखा है, आपकी सोच थी आपके वर्ड से, अभिषेक ने उसको कंपोज किया, इन्होंने गाया, इसका टोटल एमलगेशन जो है एक्चुअली, हाउ आर यू आल्सो लाइक यू नो सैटिस्फाइड दैट थिंग हैज कम आउट. मैं बहुत खुश हूँ. मुझे लगता है कि एक जब शायर या एक लिरिसिस्ट किसी गाने को लिखता है तो वो उसको कहीं ना कहीं अपने जहन में उसकी शक्ल देखने लगता है, और कोई गाना जब उस शक्ल के बहुत करीब होता है तो आपको लगता है कि जो आप चाहते थे, जिस तरीके से आप उसका चेहरा चाहते थे, चेहरा वैसा ही बना हुआ है. तो जब ये फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास ऑडियो का आया तो ही मुझे लगा कि बहुत कमाल का गाया गया है. और जब फाइनल मैंने इसका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा ही शायद मैं इमेजिन कर रहा था इस गाने की, इसकी शक्ल, इसका चेहरा जो होगा वो कुछ ऐसा ही होना चाहिए. और आर्या एक बहुत यंग सिंगर होने के बावजूद भी एक गाने में अगर आप देखें तो उसमें एक गाने में एक मैच्योरिटी भी है, जहाँ वो बहुत फ्रेश है. गाने का जो अप्रोच है वो बहुत फ्रेश है, उसका कंपोजिशन अभिषेक ने जैसा किया वो बहुत फ्रेश है, बट उसमें कहीं सोच में गहराई भी है. जागा जागा सपना किस कदर है रानाइयाँ, तो मोहब्बत के जो अलग अलग आस्पेक्ट हैं उसको हमने लिखने की कोशिश की और उसको बहुत खूबसूरती से जो है अभिषेक ने उसको कंपोज किया. और आर्या ने भी जो गाने का जो मिजाज होता है उस मिजाज को समझा और फिर गाया. और ये एक अच्छी बात है क्योंकि आजकल के जो यंग सिंगर हैं कई बार वो बहुत गहराई से किसी जो शब्द जो होती है या शब्द के पीछे का जो पस मंज़र होता है, उसका जो बैकग्राउंड होता है, वो उसको उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझते. लेकिन बहुत यंग सिंगर होने के बावजूद भी जो कुछ गहरे शब्द हैं उनका भी जो बैकग्राउंड है, उनका जो मिजाज है, उसको बहुत अच्छे से समझा और उसको वैसे ही समझ के फील करके वो गाया. तो एक सिंगर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो शब्दों का जो मयार होता है उस मयार को पहले वो समझें, उनको फील करें और फिर उसको गाएं, तो पूरी खूबसूरती जो है वो गाने की बाहर निकल के आती है. पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई गाना बनता था, लिरिसिस्ट, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, मतलब दे यूज टू ऑलवेज कम हैव अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंड करते थे, किस तरह का वो फील है, कौन है सिंगर, किस तरह का यू नो, अगर एल्बम भी अगर कर रहे हैं तो उसका एंटायर, बट सिनेरियोस चेंज दीज डेज एक्चुअली. और जैसे अभिषेक ने कहा कि वो इसीलिए इंडिपेंडेंट एल्बम करना चाह रहे थे कि फिल्मों में वो जो थॉट रहता है और जो जितनी आज़ादी चाहिए एक्चुअली वो नहीं मिल पाती. तो यहाँ पर किस तरह से वो टोटल जो हम आपके दिलों में जो था वो इस चीज़ यहाँ पर कम. देखिए अभिषेक ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास एक बहुत बड़ा खुला आसमान है, हम उड़ना चाहते हैं, हमारे पंखों में उतनी बड़ी परवाज है, हमको लगता है कि हम आसमान को छू सकते हैं. लेकिन बहुत सारी वजहों की वजह से हमें शायद कहीं कुछ हद तक ऐसा लगता है हम कफस में हैं, हम कैद में हैं. हम जो चाहते हैं, जैसी उड़ान चाहते हैं वैसी उड़ान हम उड़ नहीं पा रहे हैं. फिल्में कई बार आपको उस कफस में बंद कर देती हैं, आपके थॉट प्रोसेस को कहीं रोक देती हैं, आपकी कंपोजिशन की जो ऊंचाई जा सकती है वो रुक जाती है. और कई बार आपको दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करना पड़ता है या निर्देशक की जो ख्वाहिश होती है उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ता है. जो इंडिपेंडेंट सिंगर पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से आए हैं और डिजिटल मीडिया में जिस तरीके से उनकी प्रेजेंस हुई है, उसने मेरे जैसे बहुत सारे जो पोएट हैं, अभिषेक जैसे जो कंपोज़र हैं और बहुत अच्छे पोटेंशियल वाले आर्या जैसे जो सिंगर हैं, उनके पास एक नया प्लेटफॉर्म उनको दिया कि ये मेरे ख्यालात हैं, ये मेरी सोच है, ये मेरा लहजा है गाने का और ये मेरा म्यूज़िक का एक मेरा तरीका है
हम इस तरीके से म्यूज़िक को दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिला। और वो जो एक एक बड़ा ज़बरदस्त मीडियम है, उस मीडियम का हम चाहते हैं कि हम फिल्म के अलावा भी अपनी दिल की जो ख्वाहिश है उसको दुनिया के सामने पेश करें और फिर दुनिया उसको सराहे। तो हमें लगता है कि हाँ, जितने भी चाहे वो 5,000-10,000 दर्शक भी अगर हमारे ट्रू ओरिजिनल कंपोजिशन को या गाने को पसंद करते हैं, तो हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल हैं। जैसे कि एल्बम का नाम ही है जागा जागा सपना, किस तरह का सपना आपका है, व्हाट यू रियली वांट टू डू, उसके लिए व्हाट ऑल प्रिपरेशन आल्सो फ्रॉम योर साइड गोइंग ऑन? आई थिंक सपना हर सिंगर वही देखता है कि आप फिल्मों में गाएं, आप आपकी अपनी एक पहचान हो, आपको लोग आपकी आवाज़ और आपके गायकी से पहचाने, तो वो तो है ही। एंड उसके लिए मैं ऑब्वियसली सीख रही हूँ और रियाज कर रही हूँ और ख़ुद को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो एंड साइमल्टेनियसली इन इस गाने के ज़रिए, मतलब ये तो मेरा पहला गाना है, तो इस एक्सपीरियंस के साथ और भी खुद को एनरिच करने की कोशिश कर रही हूँ इन पूरे जितना भी हमारा सेशंस रहा है सब। तो मतलब अभिषेक सर हैज़ एक्चुअली इंश्योर्ड कि मैं काफ़ी अलग चीज़ों से वाकिफ हूँ, मतलब सुनूँ, काफ़ी अलग अलग चीज़ें सुनूँ, मैं अपनी टेक्सचर पे काम करूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे और आगे काम आएंगी। एंड मैं वन मोर थिंग आई वांट टू टेल अबाउट आर्या, कि एक बहुत साहस वाली बात यह है कि शी केम टू मी वॉन्टिंग टू डू एन ओरिजिनल सॉन्ग। ऐसे बहुत से सिंगर्स हमारे पास रोज आती हैं जो कवर्स करना चाहती है, कि जैसे कि मान लीजिए किसी भी बड़े हीरो का कोई गाना हिट हुआ, सलमान खान का कोई गाना हिट हुआ, तो उसका कवर बना के उसमें हैशटैग सलमान खान, हैशटैग कैटरीना कैफ लगा के गाना अपलोड कर दिया आपने यूट्यूब पर। तो होता क्या है कि उससे आपको इनिशियल बर्स्ट मिल जाता है, क्योंकि जो सर्च वर्ड्स है, अगर आपने सर्च वर्ड में सलमान खान डाला तो कोई भी आदमी अगर सर्च वर्ड में वो देख रहा है तो उसके साथ वो गाना भी आ जाएगा आपका गाना। तो हो सकता है इनिशियली आपको कुछ व्यूज़ मिल जाए, लेकिन एज एन ओरिजिनल सिंगर इफ़ यू वांट टू इवेंचुअली डू प्लेबैक, मुझे ये हमेशा लगता है कि आपकी एक अपनी एरिया, जो आपकी पहचान है, जो आपकी शख्सियत है, वो उभर के आनी चाहिए। आपने अगर शुरुआत ही किया किसी और को कॉपी करके एक मुकाम बनाने में, तो फिर उस स्पेस से हटके प्लेबैक में घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर लोग आपको, अच्छा वो तो उसके जैसा गाती है, वो तो कवर गाती है। और आज के डेट में हज़ारों की तादाद में हर दिन लोग कवर्स जो है वो अपलोड करते हैं। एक एक हिट गाने के आप देखेंगे 50,000 तक कवर्स होते हैं, तो 50,000 सिंगर्स ने गाने की कोशिश की। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात से, बट आई ओनली फील दैट एज एन ओरिजिनल प्लेबैक वॉइस, इफ़ यू इवेंचुअली वॉन्ट टू सी योर सेल्फ एज अ सिंगर, एन ओरिजिनल सिंगर ऑफ सम रेप्यूट, देन यू कैनॉट स्टार्ट योर करियर बाई डूइंग कवर्स, बिकॉज आपकी सोच ही जो है वही किसी और को कॉपी करने की तरफ लीन है। सो दैट्स वन क्रेडिट आई शुड गिव टू हर, दैट शी वाज करेजियस टू डू हर ओन सॉन्ग। अब अपना गाना बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत होती है उसके पीछे। यू टू क्रैक अ मेलेडी फर्स्ट, फिर एक लफ्ज़ आपके जहन में आता है, फिर उसको आप लिरिसिस्ट के साथ शेयर करते हो, फिर जाके गाना स्ट्रक्चर बनता है। तो 4-5 महीने लग गए इस गाने को ठोस एक रूप में लाने के लिए। तो वो जो क्रिएटिव प्रोसेस है जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसमें लिरिसिस्ट और कंपोजर साथ बैठ के नुक्ता चीनी करके एक गाने को बुनते हैं, तो वो प्रोसेस अपने आप में बहुत खूबसूरत प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आजकल मैं फिल्मों में मिस करता हूँ। व्हेन आई डिड पान सिंह तोमर, व्हेन आई डिड साहेब बीवी और गैंगस्टर एंड अ लॉट ऑफ अदर फिल्म्स, शागिर्द, आई एम कलाम, मैं बैठा हूँ बाकायदा तिगबांगसू के साथ, बाकायदा अनीस भाई के साथ, सबके साथ बैठ बैठ के मैंने गाने बनाए। हाल ही में ऐसा माहौल होता जा रहा है कि अच्छा आपके पास क्या गाना है सुनाइए, जैसे कि आप बाज़ार में जाके आलू प्याज खरीद रहे हो, कि अच्छा आपके दुकान में कितने का है आलू, अच्छा पास वाले दुकान में तो आपसे सस्ता है। तो ये जो तरीका है गाने खरीदने का, क्या है सुना दो भैया, रोमांटिक कुछ सुना दो, अच्छा बिछड़ने वाला कुछ सुना दो, तो ये तरीका सिर्फ डिसरेस्पेक्टफुल ही नहीं है, मुझे लगता है ये नॉन क्रिएटिव तरीका है। एक गाने को आप उस स्तर पर नहीं ला सकते कि जैसे कि आप भिंडी और आलू खरीद रहे हो ना, तो गाने की एक रेस्पेक्ट है, इट्स अ क्रिएटिव प्रोडक्ट, इट्स ऑल्सो अ लिविंग प्रोडक्ट। वो जिस नीयत से वो गाना बनता है, वो गाने में वो चीज़ बाद में झलकता है। तो ये थोड़ा सा अब हो गया। दूसरा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया हो गया है कि पहले हिंदी फिल्मों के गानों का जो रेंज था, जो दायरा था, वो इतना विशाल था कि उसमें एक तरफ एक रैना भी थी जाए जैसे क्लासिकल गाने की भी जगह थी, एक तरफ एक पिया तू अब तो आ जा जैसे प्योर कैबरे गाने की भी जगह थी। तो एक कंपोज़र का
जो उसकी जो उड़ान थी, ही कुड डू अ प्योर क्लासिकल सॉन्ग ऑल्सो, ही कुड डू अ प्योर कैबरे एंड अ डांस सॉन्ग ऑल्सो इन अ फिल्म. इंक्रीजिंगली द बैंडविड्थ ऑफ फिल्म म्यूजिक इज बिकमिंग ओनली डांस. सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम दैट वी ओरिजिनल कंपोजर्स आर फेसिंग, कि अगर इस गाने पे आप नाच सकते हैं तो ये गाना मैं फिल्म में डालता हूँ. अगर ये गाने, अगर ये डांसिंग गाना नहीं है तो गाने की कोई जगह ही नहीं है. तो ये एक नया बैंडविड्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग कि उनको कुछ अच्छा गाना दिखाने की गुंजाइश नहीं मिलती, बिकॉज द फिल्म मेकर्स ओनली वॉन्ट टू इन्वेस्ट ऑन अ सॉन्ग विच इज डांसी. सो दैट्स अनदर पर्सपेक्टिव. सिंगल एल्बम है, हाउ डज इट रियली हेल्प आल्सो? डेफिनेटली वो तो है, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स जैसे अपने आप कवर एल्बम निकालते हैं, अगर एक प्रमोशनल एक्टिविटीज भी होती है, इन द वर्ड्स बिकम यू नो वेरी कॉम्पिटिटिव. करेक्ट. हाउ डू यू सी द एंटायर सिनेरियो एक्चुअली? इन दिस एस्पेक्ट आई'd लाइक टू से द मॉडल दैट आई एम फॉलोइंग इज आई एम नॉट लुकिंग एट इमीडिएट गेन, कि मुझे अगले 3 महीने में क्या मिलेगा. सो व्हेन आई इन्वेस्ट फ्रॉम माय ओन on my own side and I put out one large song every month, हर महीना जो मैं एक गाना करता हूँ उस गाने की जो arrangement है, production value है, it's like a film song. तो इस वक्त मैं 4 फिल्में कर रहा हूँ, तो उन फिल्मों के गानों में जो production value है आपको non-film में भी वही production value दिखेगा, क्योंकि जनता को ये नहीं पता कि ये फिल्म में इसमें बजट ज़्यादा था, ये non-film में इसमें बजट कम था. लेकिन एक क्रॉस लिंकिंग वाली बात जो है वो अब बढ़ता जा रहा है यूट्यूब में. अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने अभिषेक रे सोनू निगम टाइप किया, अब जो गाना आ जाता है हमारा अवार्ड विनिंग सॉन्ग, अब उसके नीचे आर्या का गाना भी लाइन अप हो जाएगा. तो ये जो क्रॉस लिंकिंग है जिसमें एक अच्छा गाना 10 और अच्छे गाने को खींचता है, तो ये जो एल्गोरिथम वाली बात यूट्यूब में, आईट्यून्स में, अमेजोन में, हर एक जगह आ गई है, ये बात आप देखेंगे विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद कमिंग टाइम्स ये और बढ़ता जाएगा. बिकॉज गूगल्स प्रेसिडेंट मिस्टर पिचई, ही हैज सेड दिस, द सीईओ, that you know we are working on artificial intelligence, कि आपको जो गाना चाहिए YouTube आपको exactly वही गाना पड़ोस के देगा. तो ये जो मार्केट आप देख रहे हैं अभी, ये 5% मार्केट है इंडिया का, मतलब बिकॉज द 4G एंड YouTube मार्केट ऑफ इंडिया इज 5-7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो अगले 3 साल में बहुत बड़ा जंप लेगा. सो आई थिंक डूइंग ओरिजिनल स्टाफ एंड पुटिंग इट आउट ऑन डिजिटल मीडिया ऑन द ऑल द पावरफुल प्लेटफॉर्म्स is something which will pay you back immediately in the next 3 years, not in 3 months. That's why if you see even the film production companies, large part of their investment has now been diverted to making internet content. Ab internet content nahi ki aapko immediately paisa mil raha hai, lekin aapki jo market hai wo in a horizon of 3 years it will be really large. और मुझे ये, मैं एक बीच में अभिषेक की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा. कई बार हम एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि आजकल का जो यूथ है वो इस तरह के ही गाने सुनना चाहता है, और इस वजह से मोस्टली जो फिल्मों में गाने आ रहे हैं वो एक ख़ास किस्म के ही गाने आ रहे हैं. ऐसा है नहीं. आप अगर गौर से देखें तो जितने भी हमारे रियलिटी शोज़ हो रहे हैं उसमें जो गाने बार बार सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं, वो 70s और 80s के जो बहुत अच्छे मेलोडियस सॉन्ग थे. वैसे भी अगर आप देखें, आप सुकून में जब होते हैं तो एक ख़ास किस्म का गाना सुनना पसंद करते हैं. हम किसी शायद गलत मार्केट को रीड कर रहे हैं और एक परसेप्शन के पीछे भाग कर एक खास तरह के गाने बना रहे हैं. अच्छे गानों की अपनी उड़ान, अपनी परवाज़ होती है, और वो देर सबेर सुने जाते हैं, और उनके सुनने वाले वो लोग होते हैं जो वाकई म्यूज़िक को बहुत अच्छे से समझते हैं. तो इस डर में कि बाज़ार क्या चाहता है, बाज़ार की डिमांड क्या है, बाज़ार के प्रेशर क्या है, इस वजह से हम कोई ऐसा गाना बनाएं जो आपके अपने मिजाज के साथ मैच नहीं करता हो, सिर्फ दबाव की वजह से करें, तो मुझे लगता है कलाकार अपने साथ नाइंसाफी भी करता है. तो इस दबाव में कभी नहीं करना चाहिए. जो आपका दिल चाहता है, जिसके लिए आप बने हैं, ऊपर वाले ने आपकी रचना किसी एक खास मकसद के लिए की है, आप उस मकसद के साथ जाएं. देर सवेर आपके उस टैलेंट को, आपके उस हुनर को दुनिया एक्सेप्ट करती है, और वो फिर चीज़ें अप्रिशिएट भी की जाती है. There is a difference when you write, you've been told कि this is for an album, ये एक private है और ये एक film के लिए, तो उसमें सोच के जो सोच होती है आपकी लिखते वक्त, does it differ actually? कुछ हद तक. जैसे अगर आप फिल्म के लिए लिख रहे हैं तो आपके पास सर्टेन बाउंडेशन होती है, क्योंकि आपको एक सिचुएशन बताई जाती है. सिचुएशन में भी वो किसी एक खास अगर एक्टर के ऊपर पिक्चराइज किया जाने वाला गाना है तो उसका जो किरदार है वो किस किस्म का किरदार है. आपने किसी टपोरी किस्म के किरदार के लिए बड़े सोफिस्टिकेटेड लफ्ज, लखनवी शब्द इस्तेमाल करते हुए कोई गाना लिखा तो ऑब्वियसली वो मैच नहीं करेगा. तो उन बाउंडेशन को ध्यान रखते हुए, उस किरदार की अपनी ज़बान क्या, उस फिल्म के अंदर ज़बान क्या है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप किसी फिल्म के लिए लिखते हैं. जब आप
किसी इंडिपेंडेंट सिंगल की जिसकी आप बात कर लिखते हैं तो थोड़ा सा आसमान आपके लिए बड़ा हो जाता है, हालांकि उसमें भी बाउंडेशन है, उसमें मीटर की बाउंडेशन है उसमें, लेकिन फिर भी आपके पास सोच का दायरा कंपेरेटिवली आपके पास बड़ा होता है और आप कुछ हद तक अपनी पोइटिक जो टैलेंट है उसके साथ जस्टिस कर पाते हैं जब आप सिंगल के लिए लिखते हैं। मुझे इंस्पायर बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं, नेसेसरी भी नहीं है कि वो सिर्फ म्यूज़िक में ही हो, काफ़ी लोग इंस्पायर करते हैं, बट हाँ मैं किसी एक शख्स को मतलब कंसिडर करके ऐसा नहीं सोचती कि मुझे ऐसा बनना है, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अलग अलग लोग अलग अलग तरह से आपको इंस्पायर करते हैं, तो करना तो वही है जो खुद करना चाहूँगी। जिस तरह ये गाना चुनना भी, मतलब मैं चाहती थी कि मेरे गाने एक मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि अनकन्वेंशनल हो, पर वही हो जो मुझे अच्छे लगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वर्क है तो वो इंडिपेंडेंस का एक रिमार्केबिलिटी भी तो होना चाहिए। तो वो मेरा नाम लेना चाहूँगी, हाँ ऑब्वियसली, मतलब एवरी सिंगर इज़ amazing in their own ways, but I obviously admire Shreya Ghoshal, Sunidhi Chauhan, Anvesha, and many more singers. Lata ji, obviously, she, like, her songs have been something that I have listened to since I was a kid. तो घर पे वही गाने पहले बजते थे, उसके लिए मैं अपने parents को बहुत मैं मानती हूँ उनको, क्योंकि उनकी वजह से शायद उस तरह के enriched गाने मेरे में बसे हैं आज, तो वो उन्हीं का एक क्रेडिट है, उन्हीं को मैं देती हूँ उसका श्रेय। लास्ट क्वेश्चन यू देना चाहूँगी, सिंगर के लिए क्लासिकल का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी होता है। इन दिनों बहुत से सिंगर्स हैं जिनको रियली आई डोंट थिंक उन्होंने सुना है वही एक्चुअली सिंग क्लासिकल वे में। हैव यू, आपने कितना सिंगिंग सीखा है? मैं सीख रही हूँ और पिछले 4 सालों से मैं भी गौतम मुखर्जी के पास सीख रही हूँ। तो मैं मानती हूँ कि क्लासिकल का नॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंडियन क्लासिकल ही करो या आप वेस्टर्न क्लासिकल को, जो भी करो, बट सीखना इम्पॉर्टेंट है। एंड सीखने के लिए काफ़ी अलग अलग एवेन्यूज़ है जो मैं भी अभी ऑब्वियसली एक्सप्लोर करूँगी और करना चाहती हूँ। तो वही सीखना, तो लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, सो यू हैव टू लर्न। इसके अलावा आने वाला क्या है, दिस एल्बम इज गोइंग टू हैपन विद शान, उसके बारे में आप इमीडिएटली? एक एल्बम रिलीज है हमारा कमिंग संडे 23rd को, व्हिच इज अ सॉन्ग कॉल्ड छलकी छलकी, अविनाश ने लिखा है। और ये बेसिकली शान के साथ एक सीजनल सीरीज जैसे हम कर रहे हैं, तो बारिशों में हमने एक बहुत सक्सेसफुल गाना किया था कॉल्ड उजली उजली, उजली उजली ख्वाहिशें हैं, एंड दैट सॉन्ग डिड वेरी वेल। इट वॉज अ सॉन्ग विच वी रिलीज इन द मॉनसूनस। तो अब सर्दियों का मौसम है, क्रिसमस का माहौल है, इसमें हम वो छलकी छलकी गाना करना चाहते हैं। उस गाने की खासियत ये कि दैट्स अ जैज सॉन्ग। तो शान तो पहले थोड़ा डर गया था कि यार अभिषेक मैंने ऐसा गाना पहले गाया नहीं कभी, तो मैंने बोला अरे कॉम्पोजिशन सुनो आपको मजा आएगा। सो शान इज अ वेरी बिग फैन ऑफ अ सिंगर कॉल्ड स्टीवी वंडर, जिनका गाना मैं भी बहुत सुनता हूँ। तो इज अ जैज पॉप काइंड ऑफ सिंगर। तो छलकी छलकी में मैंने जो कॉम्पोजिशंस किए हैं और कैनवसेस क्रिएट किए हैं विद सैक्सोफोन, विद जैज, अ लॉट ऑफ ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स, वो आपको लगेगा नहीं कि जैसे कि वो हिंदी गाना है। उसकी टोटल कैनवस इज लाइक अ क्रिसमस कैनवस ऑफ अ जैज सॉन्ग। एंड व्हेन ही सैंग इट देन ही रियली लव्ड द सॉन्ग। ही सेड कि अभिषेक दिस इज अमंग्स माई टॉप फ्यू सॉन्ग्स एंड वी मस्ट डू अ लाइव प्रेजेंटेशन ऑफ द सॉन्ग फॉर द मीडिया। तो ऑन संडे व्हाट वी हैव प्लान्ड इज आई हैव कॉल्ड सम लाइव म्यूजिशियंस and I'm going to be on the piano and Shan will sing it live for the media and the press, so that ek alag anubhav hoga, ek naya experience hoga media ke liye bhi, ki hum hamesha gaane ke bare mein baat karte hain, to gaane ke bare mein baat na karke gaane ko ek alag andaaz se hum present karenge। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसा अभिषेक ने बताया कि इसका जो अरेंजमेंट है वो जैज वेस्टर्न अरेंजमेंट किया गया है, और इस गाने की जो बड़ी खासियत ये है कि गाना पूरी तरीके से एक बहुत इमोशनल माहौल में लिखा गया है। अगर इसके आप लाइंस को गौर करें, छलकी छलकी आँखों में इनकार जो होता है, तुम मानो या ना मानो वो प्यार होता है,
आंखों में इनकार जो होता है, तुम मानो या ना मानो वो प्यार होता है। ज़िंदगी में भी कई बार हम लोग देखते हैं कि हम किसी को मना कर देते हैं और माना जाता है कि ना कर दिया इसका मतलब ना है, बट अगर भरी आंखों से आप किसी को मना कर रहे हैं तो हकीकत में उसकी कहानी कुछ और होती है, उसका पस मंज़र कुछ और होता है और सामने वाला जो मना कर रहा है उसका इरादा भी कुछ और होता है, आपको दिखता कुछ और है। इस भावना को लिखकर एक बड़ा सॉफ्ट रोमांटिक सा गाना लिखा गया था और इस गाने को वेस्टर्न टच दिया गया, तो ये जो फ्यूज़न हुआ है, ये जो मतलब दो अलग अलग धाराओं को हमने एक में जो है वो मिलाकर जो मतलब म्यूजिकली इट्स प्योरली जैज़, लिरिकली इट्स ब्यूटीफुल पोएट्री और शान ने बहुत डूब के बहुत मिजाज के साथ इस गाने को गाया है, निभाया है। तो गाने के जो तीन हिस्से हैं उन तीनों हिस्सों की अपनी खासियत है, अपनी खसूसियत है, उसको लिखा अलग तरीके से गया है, उसको कंपोज अलग तरीके से किया गया है और उसको गाया बहुत खूबसूरती से किया गया है। तो मुझे लगता है जो फाइनल जो प्रोडक्ट आया है वो बहुत कमाल का प्रोडक्ट आया है और आप लोग इन्विटेशन भी आप लोगों को इसी के साथ में है कि 23 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें आप आइए और लाइव, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि गानों पे चर्चा तो हम ज़रूर करेंगे, उस बार भी करेंगे, लेकिन साथ साथ उस गाने को देखना अपने आप में, एक गाने को ज़िंदा देखना, वो एक अलग अनुभव होता है। उसमें लाइव वायलिन सेक्शंस होंगे, सैक्सोफोन होगा, एक गाने लाइव पियानो, इट विल बी अ अनप्लग्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग। जैसे आप